गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इंग्लिश के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर एक ऐसे टॉपिक पे है जो आज हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ और सालों से इंग्लिश के प्रभाव को महसूस कर पाया हूँ। हमारे समाज में एक ऐसी छाप बन चुकी है कि जिसको इंग्लिश बोलना आता है वो बहुत ही समझदार है, इंटेलिजेंट है, एक्सपर्ट है। लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब किसी को इंग्लिश बोलता हुआ देखते हैं, ओ माय गॉड क्या बोलता है यार। दूसरी तरफ हमारी अपनी भाषाओं की तरफ हमारा इंटरेस्ट, हमारा रुझान घटता जा रहा है। हिंदी बोलना या अपनी मातृभाषा बोलना लोगों के लिए शर्म का सबब बन जाता है। अपनी ही बात करूं तो हम गुजरात में रहते हैं, पण घणा बधा लोको एवा छे अहींया जेम जे लोको गुजराती बोलवामां कम्फर्टेबल नथी। मैं खुद सिंधी हूं, अपने घरों में महसूस कर पाता हूं पेरेंट्स अपने बच्चों को अपनी भाषा नहीं सिखा रहे, सिंधी में गालाने ला कोई तैयारी ना है। इट मीन्स कि सिंधी में बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं ये लेक्चर किसी एक जबान को प्रमोट करने के लिए नहीं बना रहा, इस लेक्चर का एक खास मकसद है और वो है स्टैंडर्ड 12th की फ्लेमिंगो बुक का यूनिट नंबर 1, द लास्ट लेसन। एक देश की पहचान वहां की भाषा होती है। आप अगर चाइना में जाते हैं तो वहां पे लोग गर्व से चाइनीज भाषा में बात करते हैं। आप स्पेन में जाते हैं तो लोग स्पेनिश में बात करते हैं। जर्मनी में जाते हैं तो जर्मन लोगों को भाषा का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। इतना गर्व है लोगों को अपनी भाषा पे कि अमेरिका ने इंग्लिश का ही अपना एक वर्जन बना डाला, यूएस इंग्लिश। तो आज की कहानी हमारी मातृभाषा को समर्पित। कहानी की शुरुआत होती है सन 1780 के आसपास, जहां पर 1870 के आसपास, मैं उल्टा बोल गया, 1870 के आसपास का युग वो था जब यूरोप जो था एक बैटलफील्ड बन चुका था। छोटी बड़ी युद्ध होती होती रहती थी। आज भी आप युद्धों का इतिहास निकाल के देख लें तो World War I, World War II दोनों यूरोप में ही लड़े गए। यूरोप के देशों के बॉर्डर्स अपने साथ इतने क्लोजली जुड़े हुए हैं कि वहां पर युद्ध बहुत कॉमन हुआ करते थे। प्लस कॉलोनियल सिस्टम के बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, यूरोप के ही वो देश थे जिन्होंने दुनिया भर में अपनी कॉलोनीज बसाई, तो हर छोटे छोटे भूमि के हिस्से को अपने कब्जे में लेने की चाहत उनमें बनी रहती थी। ऐसे में जर्मन आर्मी ने प्रूसियन वॉर के थ्रू फ्रांस के दो शहर एल्सेक और लॉरेंस दोनों पे कब्जा कर लिया। ये दोनों शहर अब फ्रांस के कब्जे से बाहर जा चुके थे। एक छोटा सा बच्चा फ्रांस अपने घर से निकलता है स्कूल जाने के लिए, लेकिन वो लेट हो चुका है। उसे डर है कि स्कूल पहुंचने पर उसके जो शिक्षक हैं, जो उसके टीचर हैं एम हैमल, वो उसे डांटेंगे, वो उस पर गुस्सा करेंगे। इसी चक्कर में वो भागा जा रहा है, दौड़ रहा है। एक पल के लिए तो कुदरत के नज़ारों को देखते हुए उसके मन में ख्याल आया कि भाड़ में गई स्कूल आज बंक करते, आज खुले मैदानों में बैठूंगा, इंजॉय करूंगा। फिर वो सोचता है यार धूप बहुत ज़्यादा है, स्कूल का वातावरण कंफर्टेबल होगा, तो स्कूल चलते। रास्ते में एक जगह पे टाउन हॉल है, टाउन हॉल के बाहर बुलेटिन बोर्ड है। अब ये बुलेटिन बोर्ड का कल्चर क्या है वो भी आपको समझा दो। उस जमाने में जब न न्यूज़पेपर्स थे, न टीवी चैनल्स थे, कम्युनिकेशन की सिस्टम्स नहीं होती थी, तो एक बोर्ड होता था जिसके ऊपर महत्वपूर्ण खबरें लिखी जाती थी। जैसे आपने कई सारी सोसाइटीज और कॉलोनीज में देखा होगा नोटिस बोर्ड होता है जहाँ पे छोटी छोटी जानकारियाँ चौक से लिखी जाती हैं, तो ये भी बुलेटिन बोर्ड था। और फ्रेंड्स बुलेटिन बोर्ड नहीं पढ़ना चाहता, क्यों नहीं पढ़ना चाहता था, क्योंकि बुलेटिन बोर्ड में आजकल सिर्फ बुरी खबरें ही दिखती थी। फ्रांस लगातार हार रहा था, उसके टुकड़े हो रहे थे, उसके शहर जर्मनी के कब्जे में जा रहे थे। जब वो स्कूल की तरफ भाग रहा है तो उसके कोई उसे कोई कहता है जल्दी मत कर यार, आराम से जा। फ्रेंड्स को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। जब वो स्कूल पहुंचता है तो डरा डरा सा पहुंचता है, क्यों?
क्योंकि मास्टर एम हैमल उस जमाने में टीचर नहीं कहते थे, मास्टर कहते थे। मास्टर एम हैमल गुस्सेल थे थोड़े, उनको डिसिप्लिन बहुत पसंद था। फ्रेंड्स को लगता है कि जाऊंगा तो बहुत डांट पड़ेगी, मार भी पड़ सकती है, उनके हाथ में छड़ी होती है, वो मारेंगे मुझे। लेकिन जब वो पहुंचता है तो देखता है कि अभी तक एम हैमल ने क्लास लेना शुरू नहीं किया। क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, सब बच्चे डिसिप्लिन के साथ बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि आज गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग भी क्लासरूम में बैठे हुए हैं। अब ये नज़ारा फ्रेंड्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है। तभी फ्रेंड्स को रियलाइज होता है, जो आप सबको भी रियलाइज होता है कई बार, स्कूल पहुंचने के बाद महसूस होता है, अरे बाप रे, होमवर्क तो किया ही नहीं, होमवर्क तो किया ही नहीं। तो फ्रेंड्स को ग्रामर में पार्टिसिपल्स याद करने के लिए कहा गया था और फ्रेंड्स भूल गया था, उसे याद ही नहीं था कि मुझे पार्टिसिपल्स बताने हैं, उसे पार्टिसिपल्स का पी तक नहीं आता था। उस दिन एम हैमल लेक्चर लेते हैं और अनाउंस करते हैं कि आज मेरा आखिरी लेक्चर है। क्यों? क्योंकि अब एल्सेक और लॉरेंस दोनों सिटीज जर्मनी के कब्जे में जा चुके हैं और जर्मनी ने एक ऑर्डर इशू कर दिया है कि अब से यहां पर फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, अब से यहां पे जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। सब लोग बहुत दुखी हैं। उस दिन जैसे एम हैमल, मास्टर हैमल पढ़ाते जाते हैं, हर एक बच्चा लिटरली रो रहा है। फ्रेंड्स की बारी आती है, उसे बोला जाता है कि तुम भाई पार्टिसिपल्स के बारे में बताओ। वो पूरी कोशिश करता है, वो चाहता है कि वो एक बार में बता दे, लेकिन उसे कुछ पता ही नहीं, उसे कुछ नहीं आता, उसे तो फ्रेंच लैंग्वेज तक नहीं आती। उस दिन मास्टर हैमल कहते हैं कि बेटा कुछ गलती तुम्हारे माता पिता की और कुछ गलती मेरी, कुछ गलती तुम्हारी भी है, लेकिन तुम सोचो वो फ्रेंच ही क्या जो फ्रेंच भाषा ना जानता हो। ये पुराने जमाने का एक फेमस कल्चर हुआ करता था बेटा, जहां जाओ वहां के लोगों को अपनी भाषा सिखाओ। आपने कभी इस चीज के ऊपर जोर दिया है कि अंग्रेजों ने हमें इंग्लिश क्यों सिखाई? क्या मकसद था उनका? मकसद साफ था, वो हमेशा के लिए हमें पराधीन कर देना चाहते थे, जिसमें वो कामयाब भी हो गए। आज की डेट में सारी हायर एजुकेशन इंग्लिश भाषा में होती है। आपको सीए करना है, आपको एमबीए करना है, आपको पीएचडी करना है, मेजर क्वालिफिकेशंस इंग्लिश में होती है, और अगर होती भी हैं तो लिमिटेड गिनी चुनी भाषाओं में होती है। एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के बाद शिक्षा में, एक पर्टिकुलर कक्षा के बाद शिक्षा में आपकी मातृभाषाएं गायब हो जाती हैं। स्कूल तक पढ़ा दी, कॉलेज आते ही आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं, कोई जरूरत ही नहीं है। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के प्रति पागलपन लगा पड़ा है। ये सब कुछ जो हो रहा है एक प्लान का हिस्सा हुआ करता था। जर्मन्स ने बेवजह ये नहीं किया था, मकसद सिर्फ इतना था कि यहां के लोगों को जर्मन सिखा दो, एक बार ये जर्मन बोलना सीख गए, अपनी भाषा भूल गए, तो ये हमेशा के लिए जर्मनी का हिस्सा बन जाएगा। अंग्रेजों ने भी इसी पर्पज से अपनी जितनी भी कॉलोनीज थी वहां पे इंग्लिश भाषा का प्रचार किया, वरना हमारी भाषा जितनी स्वच्छ और बेहतरीन भाषा दुनिया में नहीं है। हमारे पास हर शब्द का उच्चारण है, हमारे पास वर्णमाला है, हमारे पास मात्राएं हैं, जिनके जरिए हम दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रोनंसिएशन दे पाते हैं। हमारे जितना साफ उच्चारण दुनिया में किसी देश का नहीं। मैं खुद इंग्लिश का टीचर हूं, उसके बावजूद ये कह रहा हूं आप लोगों से, दुनिया में आपकी पहचान आपकी भाषा है। एम हैमल उस दिन बहुत दुखी थे। क्यों दुखी थे? क्योंकि फ्रेंच लोग फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ पाए। वो बड़े दुख के साथ वो लेक्चर कंडक्ट करते हैं, अपना आखिरी लेक्चर। उसके क्लासरूम के ऊपर ही एम हैमल का घर हुआ करता था, ऊपर सामान पैक होने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो घर, वो क्लासरूम जो सालों तक एम हैमल का एक घर बना हुआ था, अब उसका नहीं रहने वाला था। लेक्चर खत्म होते होते एम हैमल की आंखों में आंसू थे। उसने एक पल के लिए सोचा कि मैं बच्चों की तरफ मुड़ूं, उनसे कुछ कहूं, लेकिन फिर अपना मन बदला, बोर्ड की तरफ मुंह किया,
लॉन्ग लिव फ्रांस, विवा ला फ्रांस कहते हुए वो वहां से चल दी। उन्होंने मुड़ के अपनी क्लास की तरफ नहीं देखा। बेटा इस यूनिट का पर्पस समझने की कोशिश करिएगा। आपकी मातृभाषा आपकी पहचान है, हम भारतीय हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा ना हो सही, राष्ट्रभाषा जरूर है। आपकी जो भी मातृभाषा है, आप तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, भोजपुरी, गुजराती, मारवाड़ी, जो भी आपकी मातृभाषा है, सिंधी, पंजाबी, हरियाणवी, कभी भी अपनी मातृभाषा से दूर मत जाइए। वो आपकी पहचान है, उसके बगैर आपका अस्तित्व नहीं है। और कभी भी उस जबान से शर्माना मत। आप जैसे हो वैसे रहो। मेरी बात याद रखना स्टूडेंट्स, ओरिजिनल की वैल्यू डुप्लीकेट या कॉपी से हमेशा ज्यादा होती है। आप अपनी ओरिजिनलिटी मत खोना। खास मेरे गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए, कोई पण परिस्थिति में शर्मावता नहीं। तमारी गुजराती तमारी ओळख छे। आजे पण दरेक गुजराती ने गर्व छे के आ देश ने आजादी अपावनार एक गुजराती हतो अने आ देश ने चलावनार एक गुजराती छे। कभी भी गुजराती होने के लिए शर्मिंदा महसूस मत करना। कभी भी हरियाणवी होने के लिए शर्मिंदा महसूस मत होना मत करना। कभी सिंधी बोलने के लिए शर्मिंदा मत महसूस करना। कभी मराठी, तेलुगु, मलयालम, जो भी आपकी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनको गर्व से भूलिए। वो हमारी विरासत है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस लेक्चर का PDF और क्वेश्चन आंसर्स का असाइनमेंट दोनों इस लेक्चर के साथ अटैच रहेंगे। आज का लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चा लोग ध्यान से सुनिए। COVID-19 के चलते, कोरोना वायरस के चलते हम लॉकडाउन में हैं। मैं अपने घरों से लेक्चर रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए YouTube पे अपलोड करता हूँ। मैक्सिमम सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।